इधर से गुजरा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो। हुजूर आप कभी एहतराम करता चलो।
थी, ये मेरे ख्वाबों की, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही देखी, ये मेरे ख्वाब, ये मेरे ख्वाबों की, ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही लेकिन अब आ गया हूँ, अब आ गया हूँ तो दो दिन कयाम करता चलूँ, अब आ गया हूँ तो दो दिन कयाम करता चलूँ, हुजूर आपका ही एहतराम करता चलूँ, हुजूर आपका ही एहतराम करता चलूँ, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूँ, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूँ, हुजूर आपका ही एहतराम करता चलूँ। वक्त रहते इश्क का इजहार कर लेना काफी जरूरी समझा गया है, क्योंकि शायर ने कहा है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, यानी वक्त हमारी हथेली पर एक सा नहीं बना रहता। और तभी एक शायरा जिनका नाम है अंजुमन मंसूरी आरजू, वो कहती हैं कि रह गए बस इश्क दरिया से ये नाते रह गए, रह गए बस इश्क दरिया से ये नाते रह गए, हम सदफ आंखों से अब गौहर लुटाते रह गए, रह गए हम साज़े दिल के टूट जाने पर भी खुश, दर्द गजलों में छिपाकर गुनगुनाते रह गए, रह गए खामोश वो भी आते आते रह गए। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां I'm not afraid।
को जो पुरनूर करे हर नजारे में ये तन दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना बेहद आसान होता है, और जब जब वो झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे पर आप उसकी परछाई तक को नहीं देख पाते। जफर इकबाल एक शायर हुए और वो कहते हैं कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। यानी कि झूठ इस तरह से बोलो कि आप किसी किरदार में हो, लेकिन रिश्तों की बुनियाद और इसकी दुनिया अगर मजबूत हो तो रिश्ते तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा जाते हैं। किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर शुरू हुई हो और झूठ पर कायम हो तो हो सकता है कि उसकी उसका अंजाम जो हो किसी मिट्टी के महल सा हो, जरा सा तेज हवा का झोंका और उसे वो तेज हवा अपने साथ बहा ले जाती है। अक्स समस्तीपुरी कहते हैं कि झूठ का बोलना आसान नहीं होता है, झूठ का बोलना आसान नहीं होता है, दिल दिल तेरे बाद परेशान नहीं होता है। 11:25 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर प्रोग्राम चल रहा है आप ही का अपना पसंदीदा रंग तरंग, और आपके साथ रंग तरंग की इस महफिल में मैं विकास। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही।
हम किला थर थराती रही रात भर गम किला थर थराती रही रात भर आपकी याद आती आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ग्यारह बजकर 31 मिनट हो चुके हैं। रंग तरंग के साथ जुड़े हुए हैं आप और यहां पर हम पहुंचाते हैं आप तक गजलें और नज्में और कुछ शायरों की बातें। जी, गज़लों और नज़मों की अगर बात चली तो गज़लें और नज़में जो थीं या जो हैं सिर्फ दो लोगों के जज्बात और एहसासात को बयां नहीं करती खाली। कई शायरों ने इस फ़न का इस्तेमाल वतन की मिट्टी की खातिर या फिर वतन की मिट्टी से जुड़े एहसासास को दिखाने, जाहिर करने या वतन के लिए मर मिटने की एहसास को दिखाने के लिए भी किया है। जी, गजलों और नज्मों का ये अंदाज अपने आप में काफी मुख्तलिफ है। गजलों
अगर ये जमीन नहीं, अगर ये जमीन नहीं वो मेरा आसमां तो है, मेरा आसमां तो है। ये क्या है कम के कोई, ये क्या है कम के कोई, मेरा मेहरबान तो है, मेरा मेहरबान तो है। घर ये जमीन नहीं, मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मुझे इसका गम नहीं। मंजिल की जुस्तजू में मेरा का घर ये जमीन नहीं। ऐ मादरे वतन ना यूं तूफान गम से डर, गम से डर ना तूफान गम से डर। कुर्बान तेरे लिए तेरा हर नौजवान तो है, हर नौजवान तो है, हर नौजवान तो है। घर ये जमीन नहीं वो मेरा आसमां तो है, मेरा आसमां तो है। ये क्या है कम के कोई, ये क्या है कम के कोई, मेरा मेहरबान तो है, मेरा मेहरबान तो है। घर ये जमीन नहीं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
दोस्तों, गजलों और नज्मों की जब बात आती है तो इसे धुन में सजाना और इसे धुन में लयबद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ा और मुश्किल काम होता है। लेकिन संगीत, जिसकी महारत हासिल हो, जिसकी संगीत पर पकड़ मजबूत हो, शायद उन लोगों के लिए मुश्किल शब्दों को धुनों में पिरोना भी बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही एक संगीतकार रहे जिनका नाम था जयदेव। जयदेव साहब मुश्किल से मुश्किल शायरों के साथ उन्होंने काम किया और मुश्किल से मुश्किल धुनें हमारे सामने उन्होंने रखी। जयदेव साहब को गुजरे हुए बहुत अरसा बीत चुका है, लेकिन उनकी संगीत पर वो तमाम धुनें आज भी हमारे दिल को महका जाती हैं। अगला गीत उन्हीं की धुन में पिरोया हुआ और आवाज पिनाज मसानी की।
शामिल है मेरे दिल की उड़ानों में, जमीन पर पांव है मेरे, जमीन पर पांव है मेरे, मगर मैं आसमानों में तुम्हारा प्यार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। इस दिल की हसरत जो होती है वो कई दफा इतनी छोटी सी होती है कि जब वो पूरी ना हो तो दिल को दुख और तकलीफ होती है। एक शायरा ने कहा कि एक जरा सी दिल की हसरत तुमसे उल्फत और तुम, एक जरा सी दिल की हसरत तुमसे उल्फत और तुम, बस है इतनी सी जरूरत थोड़ी राहत और तुम, मुद्दतों से मुख्तलिफ है मेरी किस्मत और तुम, क्यों मुकद्दर में नहीं तुमसे मोहब्बत और तुम, हो बहुत मसरूफ तुम या है कोई नाराजगी, साथ में मिलते नहीं अब थोड़ी फुर्सत और तुम बिछड़कर भी न मुझसे हो सके पल भर जुदा, मुझ में बाकी है तुम्हारी हर एक आदत और तुम।
सच्ची आस पे जीना कब तक आखिर आखिर कब तक झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक आखिर आखिर कब तक मैं की जगह खूने दिल दीना कब तक आखिर आखिर कब तक झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक आखिर आखिर कब तक पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे सोचा है अब पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे तूफान जद पे सफीना कब तक आखिर आखिर कब तक झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक आखिर आखिर कब तक सच्ची आस पे जीना कब तक
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दोस्तों अब घड़ी बता रही है कि मुझे लेनी होगी इजाजत, तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।